हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रद्धा। आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लीच कैसे अप्लाई करना है, और ब्लीच अप्लाई करने से पहले आपको ब्लीच अप्लाई करने से जो है आपके फेस के जो भी हेयर होते हैं, फेशियल हेयर जो वो लाइटन हो जाते हैं, और इसका असर काफ़ी समय तक रहता है। और ब्लीच अप्लाई करने से आपके फेस पे एक अच्छा सा ग्लो भी आता है। और ब्लीच अप्लाई करने से पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे आप डे टाइम में अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आपने अप्लाई कर भी लिया है तो आप बाहर जाना अवॉइड करिए। मीन्स आप अप्लाई करते हो तो आपको सन रेज से बचाना है स्किन को। तो उससे क्या होता है कि अगर आप सन रेज के कॉन्टैक्ट में आ गए तो आपकी स्किन जो है वो बर्न भी हो सकती है, जल सकती है, और उससे फिर ब्लैक ब्लैक पैचेस भी आ सकते हैं फेस पे। तो अभी मैं तो डे टाइम में अप्लाई कर रही हूँ, बट मुझे ये पता है कि मैं अभी बाहर नहीं जाने वाली हूँ, इसलिए मैं अभी डे टाइम में अप्लाई कर रही हूँ। आप प्रिफर करिए कि इसे नाइट टाइम में आप अप्लाई करें। और उस सेकेंड बात ये है कि जब भी आप ब्लीच अप्लाई करते हो तो आपके फेस पे अगर कहीं पिंपल्स है या कट हो गया है तो उस पर आप अप्लाई नहीं करें, बिकॉज उससे थोड़ी सी इरीटेशन हो सकती है। और ब्लीच अप्लाई करने से पहले आप एक पैच टेस्ट कर लीजिए कि आपको ब्लीच सूट करता है कि नहीं, एंड देन उसके बाद ही आप इसे अप्लाई करिए। और जब भी आप ब्लीच अप्लाई करते हो तो आपको अपने आईब्रोज और आई एरिया से काफ़ी दूर तक इसे लगाना है। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मैं ब्लीच यूज़ करने वाली हूँ वो है फेम ब्लीच, फेम का गोल्ड क्रीम ब्लीच। मैंने अभी अच्छे से अपना कवर कर लिया है बालों को, और इसके बाद जैसे ही आप ब्लीच क्रीम और एक्टिवेटर मिक्स कर लेते हो अच्छे से, तो आपको इसे तुरंत लगाना है। ज़्यादा देर तक आप इसे बना के नहीं रख सकते। अगर आपने ज़्यादा देर तक बना के इसे रख दिया तो इसका कुछ भी असर नहीं होगा आपके फेस पे। एक बॉल में मैं पहले क्रीम ले लूँगी। सारा क्रीम ले लिया है जो कि मैं फेस और नेक पे लगाने वाली हूँ। इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि आप ये पूरा का पूरा एक्टिवेटर इसमें ऐड कर दीजिए, बट मैं पूरा ऐड नहीं करती, मैं इससे जो है आधे से भी थोड़ा कम इसमें ऐड करूँगी। कभी क्या होता है कि एक्टिवेटर ज़्यादा ऐड होने से भी आपको स्किन में इरिटेशन हो सकता है। इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है, अभी इसे मैं 10-15 मिनट्स रहने दूंगी। 15 मिनट्स के ऊपर आपको इसके रखना नहीं है, जस्ट 15 मिनट्स के बाद इसे हम क्लीन कर लेंगे। अभी 15 मिनट्स हो गए हैं, अभी अब मैं अपना ब्लीच जो है वो रिमूव करूंगी। उसके लिए मैंने एक और नैपकिन लिया है जिसे मैंने गीला कर लिया है। ब्लीच अच्छे से रिमूव कर लिया है, अभी मैं फेस वॉश कर लूँगी नॉर्मल वाटर से। और इसके बाद जस्ट आपको आई अप्लाई करना है अगर आपको कहीं रेड पैचेस आते हैं तो। और इसके बाद आपको तुरंत नहाना नहीं है, या और 5-6 घंटे तक आपको कोई भी सोप या फेस वॉश अप्लाई नहीं करना है फेस पे, ना कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। आप जस्ट एक आइस क्यूब लेके आपके फेस पे इसे अच्छे से रब कर लीजिए आइस क्यूब से, या कोल्ड वाटर से आप अपना फेस वॉश कर लीजिए। बस फ्रेंड्स, यही है। और इससे जो है आपके जो फेशियल हेयर है वो गोल्डन कलर के हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शिमरिंग श्रद्धा, टिल देन बाय बाय।